Hi, my name is Ovi, and in this video we are going to discuss about audit report. The question is, what is audit report and what are its features and difference between clean and qualified report? Audit report is the final stage of audit process. ऑडिट रिपोर्ट क्या है? एक ऑडिट प्रोसेस का फाइनल स्टेज है. ऑडिट प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि एक ऑडिटर किसी कंपनी में ऑडिट करने आता है, तो सबसे पहले वो वाउचिंग देखता है कि वाउचिंग सही से हुआ है या नहीं. उसके हिसाब से वो फिर वो देखता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब सही से बना है या नहीं, और फाइनली वो एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है. तो ऑडिट रिपोर्ट एक फाइनल डॉक्यूमेंट है जो एक ऑडिटर बनाता है. वही यहाँ पे बोला गया है कि ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल स्टेज ऑफ ऑडिट प्रोसेस. द रिजल्ट ऑफ ऑडिट आर कम्युनिकेटेड थ्रू ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट से क्या होता है कि कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट से हम लोग. ऑडिट रिपोर्ट इज अ रिटन ओपिनियन ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिट रिपोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बतलाता है कि जो मतलब कंपनी है वो कैसा कैसा ग्रो कर रहा है. वो मतलब लॉस में तो नहीं है, और उसका जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सही से बनाया हुआ है या नहीं, वो कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही, वही सब चीज़ों का समरी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाता है. ऑडिट रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एन ऑडिटर टू सर्टिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ फर्म. ठीक है, वही बोला गया है कि ऑडिट रिपोर्ट एक ऑडिटर प्रिपेयर करता है जो कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि फाइनेंशियली वो ग्रो कर रहा है या नहीं. ठीक है, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी चेक करता है कि किसी एक कंपनी में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो सही से हो रहा है या नहीं. ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द शेयर होल्डर्स हु हैव अपॉइंटेड हिम. ऑडिटर दो को ही अपॉइंट कर सकता है. जैसे कि एक कंपनी भी अपना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है जो कि डेली बेसिस पे कंपनी के अंदर ही ऑडिट करेगा, चेक करेगा. और एक ऑडिटर होता है जो उस कंपनी के ऑनर्स मतलब शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं पीरियोडिकली उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए. ठीक है, ये देखने के लिए वो कंपनी सही से चल रहा है या नहीं. ठीक है, ही हैज टू प्रोवाइड हिज ओपिनियन इन द ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल statements. Thus the auditor protects the interest of shareholders through audit report. जो shareholders हैं वो एक auditor appoint करते हैं किसी company में audit कर किसी company का audit करने के लिए. तो वो auditor है वहाँ की financial books को check करता है और auditor audit report prepare करता है. तो वो shareholders को के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है क्योंकि शेयर होल्डर्स को ये पता लग जाता है उस ऑडिट रिपोर्ट को देखकर कि उस वो शेयर होल्डर्स जिस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंपनी सही से ग्रो कर रही है या नहीं. कोई मतलब उस कंपनी में कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उनका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें जो है शेयर होल्डर्स को पता चलती है. ऑडिट रिपोर्ट इज द समरी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर. जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ऑडिट रिपोर्ट फाइनल स्टेज होता है ऑडिट प्रोसेस का, तो वो समरी ही हुआ जितना काम किया गया ऑडिटर के द्वारा, वो उसका समरी ऑडिट रिपोर्ट में देता है. ठीक है, द ऑडिटर फर्निस्ड सम इम्पॉर्टेंट सजेशंस इन द रिपोर्ट इफ आस्क्ड सो. अगर शेयर होल्डर्स को इम्पॉर्टेंट सजेशन मांगता है ऑडिटर को, तो वो ऑडिटर उस रिपोर्ट में ही वो लिखकर शेयर होल्डर्स को दे देता है. द रिपोर्ट मस्ट कंटेन द सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर बनाया है तो ऑडिटर का सिग्नेचर होना भी मस्ट है. ऑडिटर
reports may be true and qualified. अब एक ऑडिटर है, उसको अपॉइंट किया गया है कि आप कंपनी में जाए और उस वहाँ देखे कि वहाँ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है. और ऑडिटर ऑडिटर का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट बनाए वो भी सही हो, उसमें भी कोई एरर या फ्रॉड ना हो. ठीक है. फीचर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. फर्स्ट, सिस्टमैटिक प्रोसेस. ऑडिट रिपोर्ट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस दैट फॉलोज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विच आर लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. फर्स्ट फीचर है ऑडिट रिपोर्ट का कि सिस्टमैटिक प्रोसेस. जो ऑडिट रिपोर्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस वाइज चलता है. जैसे कि सबसे पहला है कि वाउचिंग चेक करना सही से हुआ है या नहीं, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना और फाइनली ऑडिट रिपोर्ट बनाना. ठीक है. तो वो एक सीक्वेंस वाइज चलता है, उसी को बोला जाता है सिस्टमैटिक प्रोसेस. ठीक है. थ्री पार्टी रिलेशनशिप. द ऑडिट प्रोसेस इन्वॉल्व्स थ्री पार्टीज दैट इज शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स एंड ऑडिटर्स. ऑडिट रिपोर्ट जो होता है उसको तीन पार्टीज होते हैं, शेयर होल्डर्स, ऑनर्स ऑफ द कंपनीज, ऑडिटर जो जिस कंपनी को ऑडिट करने जाएगा, और मैनेजर्स उस कंपनी के मैनेजर्स. सब्जेक्ट मैटर. ऑडिटर्स गिव अश्योरेंस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर. हाउएवर The subject matter may differ considerably, such as data, systems or processes and behavior. Third है subject matters. Auditors किसी एक specific subject matter पर अपना assurance दे सकता है. ठीक है. उस company का audit करके audit report बनाएगा और किसी specific matter पे, उस company के कोई specific matter पे अपना assurance दे सकता है. फोर्थ है एविडेंस. द ऑडिटिंग प्रोसेस रिक्वायर्स कलेक्टिंग द एविडेंस दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा एंड एग्जामिनिंग देयर ऑफ. ऑडिट क्या है? ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करता है और उस एविडेंसेस के हिसाब से अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाता है. एविडेंसेस मतलब क्या होता है यहाँ पे? एविडेंसेस मतलब होता है कि फाइनेंशियल बुक्स जो उस कंपनी में मेंटेन किया गया है उसी को वो एविडेंस के रूप में लेता है और उसी का एग्जामिन करके वो एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है. ठीक है. फिफ्थ है ओपिनियन. ऑडिटर हैज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज to the reasonable assurance on the financial statements of the entity. opinion. अब auditor क्या है? कहीं कहीं पे auditor है जो वो अपना opinion भी दे सकता है उस financial statements को देखते हुए. ठीक है. अपना वो audit report बनाया, अगर shareholders ने पहले ये बोल दिया कि इस matter पे आप अपना राय दीजिए, तो वो अपना ओपिनियन उस मैटर पे अपना ओपिनियन शेयर होल्डर्स को दे देगा ऑडिट रिपोर्ट में जो कि लिखा हुआ होगा. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट. अ क्लीन रिपोर्ट शोज दैट देयर आर नो फ्रॉड्स और एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अ क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑन द अदर हैंड शोज दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव फ्रॉड एंड एरर इन देम. क्लीन रिपोर्ट क्या होता है? एक क्लीन रिपोर्ट ऐसा रिपोर्ट होता है जिसमें कोई भी फ्रॉड, कोई भी एरर नहीं होता है. ठीक है. और एक क्वालिफाइड रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट होता है जिसमें फ्रॉड एंड एरर होने का चांसेस है, और क्लीन रिपोर्ट पूरी तरह से क्लीन है, उसमें ना ही फ्रॉड है ना एरर है. और क्वालिफाइड रिपोर्ट जिसमें कि फ्रॉड एंड एरर होने का चांसेस है. A clean report shows that the balance sheet and profit and loss account show a true and fair view of the state of affairs of the business. A clean report, जो balance sheet and profit and loss account जो बनाता है उसमें सब कुछ
ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब उसमें जो भी लिखा गया वो सही है, सच है, ठीक है. एंड अ क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑन द अदर हैंड स्टेट्स दैट द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट स्टेट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स. और एक जो क्वालिफाइड रिपोर्ट है उसमें जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया है उसमें वो पूरी तरह से ट्रू नहीं है, पूरी तरह से वो सच नहीं है. वहीं पर क्लियर रिपोर्ट में जितना भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो पूरी तरह से सही है, ठीक है. अ क्लीन रिपोर्ट, सॉरी, फ्रॉम अ क्लीन रिपोर्ट इट कैन बी फाउंड आउट दैट द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द बुक्स. एक क्लीन रिपोर्ट है तो उसमें ऑडिटर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि हाँ या इस रिपोर्ट में जो भी लिखा गया है वो सभी सही लिखा गया है, कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी फ्रॉड नहीं है, ठीक है. बट इन अ क्वालिफाइड रिपोर्ट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अकाउंट्स वेरीफाइड. और वही क्वालिफाइड रिपोर्ट में एक ऑडिटर ही सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं इस रिपोर्ट में जो लिखा गया है वो सही नहीं है, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है. अ क्लीन रिपोर्ट इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द कंपनी एंड द क्वालिफाइड रिपोर्ट डिक्रीजेस इट. एक क्लीन रिपोर्ट जो है वो किसी की कंपनी का गुडविल को बढ़ाता है और क्वालिफाइड रिपोर्ट किसी भी कंपनी का गुडविल को घटाता है, ठीक है. जैसे कि अगर बोला जाए कि एक ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, अगर ऑडिट रिपोर्ट अगर किसी भी कंपनी का क्लीन है, ठीक है, क्लीन रिपोर्ट है, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, तो उस कंपनी का गुडविल बढ़ेगा, क्योंकि अगर जो शेयर होल्डर्स देखेगा कि ये क्लीन ऑडिट रिपोर्ट है तो वो और भी ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करेगा. और जो न्यू पर्सन्स हैं जो उस कंपनी के बारे में सर्च कर रहे थे वो देखेंगे कि हाँ इस कंपनी में क्लीन रिपोर्ट है, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट है, तो वो उस कंपनी में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो वो उस बिजनेस का गुडविल और बढ़ेगा. और वहीं पे अगर किसी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो कोई भी वहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, ठीक है. तो यही है लोगों का आंसर. तो ऑडिट रिपोर्ट फाइनली यही समझ सकते हैं हम लोग ऑडिट रिपोर्ट से कि एक ऑडिटर का ऑडिटर जो सारा कुछ चेक करता है उस कंपनी में, सारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ को चेक करके वो फाइनली एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, इसके लिए एक शेयर होल्डर्स के लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाता है. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें. थैंक यू.